हे फ्रेंड्स, मेरा नाम है राजन कुमार और आप देख रहे हैं मेरा ये चैनल राजन एकेडमी ऑफ एजुकेशन। तो आज बात करेंगे ग्रामर के एक टॉपिक एक्टिव और पैसिव वॉइस से। तो एक्टिव जो हमारे होते हैं 12 जो टेंसेस हैं हमारे उसमें बन सकते हैं, लेकिन जो पैसिव वॉइसेस हैं वो केवल 8 टेंसेस में बन पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज मैं आपको जितना इस वीडियो में कवर हो सकता है उतना बताऊँगा, और अगर थोड़ा बहुत रह जाता है तो वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एक्टिव में हमारे 12 जो टेंसेस हैं वो बनते हैं, जैसे हमारे प्रेजेंट सिंपल, ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, और ये 3 बनेंगे। लेकिन एक कौन सा नहीं बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ये हमारा नहीं बनेगा। तो इस तरीके से हमारा एक एक करके बात करते हैं कौन कौन से नहीं बनेंगे। ठीक है, हमारे जो टेंसेस हैं जिनको हम कन्वर्ट नहीं कर सकते पैसिव वॉइस में, वो कौन कौन से हैं। एक है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है, दूसरा है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, तीसरा है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, और चौथा है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। तो हम ये जो 4 टेंसेस को अगर हटा दें तो हमारे पास बचते हैं 8। तो 8 जो टेंसेस हैं उनको हम कन्वर्ट करेंगे। प्रेजेंट सिंपल से शुरू करते हैं। प्रेजेंट सिंपल में जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाऊंगा, जैसे आई राइट अ लेटर, मैं एक लेटर लिखता हूँ, आई वॉश क्लोथ्स, मैं कपड़े धोता हूँ। तो इस तरीके के जो टेंसेस हैं, इस तरीके के जो सेंटेंसेस हैं, हम किस तरीके से इसको कन्वर्ट करेंगे। तो ध्यान रखिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म सभी में लगेगी, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म जब हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो जरूर से जरूर लगेगी। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब प्रेजेंट सिंपल में है तो हमारा इज का यूज होगा, ठीक है, इज का यूज होगा बाय करके हम लगाते हैं, जैसे आई राइट अ लेटर, तो अ लेटर इज रिटन, अब इज आ गया और रिटन, रिटन थर्ड फॉर्म होगी, रिटन बाय मी, अ लेटर इज रिटन बाय मी, इस तरीके से हम बना सकते हैं। अगर हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो अ लेटर इज नॉट रिटन बाय मी, ठीक है, अ लेटर इज नॉट रिटन बाय मी, यानी कि एक लेटर मेरे द्वारा नहीं लिखा जाता है, अ लेटर इज नॉट रिटन बाय मी। ठीक, अब बात करते हैं दूसरे सेंटेंस के बारे में, यानी कि कंटिन्यूस के बारे में। मैं ये समझता हूँ कि अगर मैंने आपको नेगेटिव बता दिया तो आप क्वेश्चन और क्वेश्चन नेगेटिव, यानी कि इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कॉन्टिन्यूस के बारे में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के बारे में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में क्या होता है, वह जा रहा है, वह खा रहा है, तो इस तरीके के टेंसेस को हम कैसे करेंगे, सेंटेंसेस को कैसे करेंगे। तो ही इज ईटिंग, ठीक है, ही इज ईटिंग मैंगो, वह आम खा रहा है, ठीक है, यानी कि उसके द्वारा आम खाया जा रहा है, तो वह आम खा रहा है, ही इज ईटिंग मैंगो, मैंगो इज बींग ईटन बाय हिम, अब ही का क्या बन गया, यहाँ पे हिम बन गया, ठीक है। तो मैंगो इज बींग, बी ई आई एन जी, बींग हमने यूज किया इसमें इज के साथ, और ये क्या दर्शा रहा है, कॉन्टिन्यूस दर्शा रहा है, ठीक है, बींग हमने यूज कर लिया कि मैंगो इज बींग ईटन बाय हिम, ठीक है। तो इस तरीके से हम बना सकते हैं, मैंगो इज नॉट बींग ईटन बाय हिम, ये हमारा निगेटिव बन गया। और इंटरोगेटिव भी हम बना सकते हैं, और इंटरोगेटिव निगेटिव भी ऐसे ही बना सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं अब प्रेजेंट परफेक्ट के पास में, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट में कैसे शुरू करेंगे, आई हैव रिटन अ लेटर, मैंने एक लेटर लिखा है या लिख चुका हूँ, मैं एक लेटर लिख चुका हूँ, ठीक है, आई हैव रिटन अ लेटर। तो अ लेटर यहाँ पर हम यूज करेंगे हैज बीन का, ठीक है, यहाँ पर हम लेटर का यूज करेंगे हैज बीन का, अ लेटर हैज बीन रिटन बाय मी, अब थर्ड फॉर्म यहाँ पे भी आ रही है, यहाँ पे जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट क्या बदला है, यहाँ पे हैज बीन लग रहा है, अ लेटर हैज बीन रिटन बाय मी। तो इस तरीके से हम बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट शुरू करते हैं, अगर हम इसका पहले नेगेटिव देखें, अ लेटर हैज नॉट बीन रिटन बाय मी, यानी कि मेरे द्वारा एक लेटर नहीं लिखा जा चुका है, ठीक है, इस तरीके से हम बना सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट हम शुरू करते हैं, अब यहाँ पे आ गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ये हम नहीं बना पाएंगे, क्यों, क्योंकि ये हमारे 8 जो पैसिव में कन्वर्ट हो सकते हैं उनमें से एक नहीं है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हम नहीं कर सकते हैं कन्वर्ट, किस में नहीं कर सकते हैं कन्वर्ट, हम इसको पैसिव में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो चलिए हम पास्ट में आते हैं, ठीक है, पास्ट में हम कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे, जैसे आई रोट अ लेटर, मैंने एक लेटर लिखा, ठीक है, अब यहाँ पे जिस तरीके से हमने आई राइट अ लेटर के साथ इज लगा दिया था, इसी तरीके से यहाँ पे हम लगाएंगे वॉच का यूज, ठीक है, आई रोट अ लेटर, अ लेटर वॉज रिटन बाय मी, बहुत ही सिंपल ट्रिक है, अ लेटर वॉज रिटन बाय मी, यहाँ पे भी थर्ड फॉर्म आ रही है, ठीक है, वॉज आ रहा है क्योंकि ये पास्ट में है।
तो अ लेटर वॉज रिटन बाई मी। अब इस तरीके का हम निगेटिव में कैसे बनाएंगे, अ लेटर वॉज नॉट रिटन बाई मी। इस तरीके से आप बना सकते हो आगे के सेंटेंसेस, ठीक है। चलिए अब दूसरी हम शुरू करते हैं। प्रेजेंट हमारा हो चुका है, अब हम पास्ट में आते हैं। पास्ट में जो हमारा आई रोट अ लेटर मैंने करवा दिया, यानी कि जो हमारा पास्ट सिंपल था वो मैं आपको करवा चुका हूँ। अब पास्ट कॉन्टिन्यूस यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट कॉन्टिन्यूस में हम करेंगे आई एम राइटिंग अ लेटर, ठीक है। अब यहाँ सॉरी आई वॉज राइटिंग अ लेटर। अब अगर मैं वहाँ पर देखूँ तो आई एम राइटिंग अ लेटर होगा जहाँ पे हमने प्रेजेंट में करा था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, ठीक है। यहाँ पे हम जो कर रहे हैं वो है आई वॉज राइटिंग अ लेटर। तो आई वॉज राइटिंग अ लेटर, मैं एक लेटर लिख रहा था, ठीक है। अ लेटर वॉज बींग, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए वहाँ पे इज बींग था, ठीक है, प्रेजेंट में। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे है वॉज बींग रिटन बाय मी, अ लेटर वॉज बींग रिटन बाय मी। वेरी इजी कॉन्सेप्ट, आप इसको आसानी से बना सकते हो। अ लेटर वॉज नॉट बींग रिटन बाय मी, ये निगेटिव आपका बन गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं पास्ट के थर्ड में हमारे कौन से आ गए, पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट में क्या है, आई हैड रिटन अ लेटर, ठीक है। अब वहाँ पे अगर हम पहले इसको ट्रिक से समझेंगे कि हमने प्रेजेंट परफेक्ट में क्या किया था, आई हैव था, आई हैव, ठीक है। तो आई हैव रिटन अ लेटर में क्या हो जाएगा, अ लेटर हैज बीन रिटन बाय मी था। तो यहाँ पे क्या होगा, आई हैड रिटन अ लेटर, इसका क्या हो जाएगा, अ लेटर हैड बीन रिटन बाय मी। यहाँ पे भी थर्ड फॉर्म लगे और हैड बीन लग गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम बना सकते हैं। अब हमारे जो बचे हैं वो कौन से बचे हैं, देखिए प्रेजेंट, प्रेजेंट सिंपल हम बना चुके हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस बना चुके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हम जो हमारा है वो नहीं बनाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट बना चुके हैं। तो अब हमने बना लिया है कि पास्ट सिंपल बना चुके हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूस बना चुके हैं और पास्ट परफेक्ट बना चुके हैं। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हम नहीं बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये हमारे एट जो टेंसेस हैं जिनको हम पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं उसमें नहीं आते हैं। तो अब बात करते हैं उन सेंटेंसेस की जो हम बना सकते हैं यानी कि हमारे फ्यूचर में। तो फ्यूचर सिंपल कैसे बनाएंगे, जैसे आई विल राइट अ लेटर, आई विल राइट अ लेटर, आई शैल राइट अ लेटर भी कई बार हम कहते हैं, ठीक है। आई विल आजकल यूज होने लगा है, तो आई शैल राइट अ लेटर पहले हम बोलते थे, ठीक है। आई शैल राइट अ लेटर, मैं एक लेटर लिखूंगा, तो अ लेटर विल बी रिटन बाय मी। अब यहाँ पे अ लेटर विल बी, अब यहाँ पे विल का तो यूज किया है लेकिन बी और थर्ड फॉर्म का, थर्ड फॉर्म देखिए यहाँ पे भी आ रही है, सब में थर्ड फॉर्म लगेगी, अ लेटर विल बी रिटन बाय मी, अ लेटर विल बी रिटन बाय मी, ठीक है। तो इस तरीके से अब इसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे, अ लेटर विल नॉट बी रिटन बाय मी, अ लेटर विल नॉट बी रिटन बाय मी, ठीक है। अब मैं एक लेटर लिखूंगा, आई विल राइट अ लेटर, आई विल राइट अ लेटर, ठीक है। अब इसका हम लोग जो पैसिव में कन्वर्ट कैसे किया, हम लोगों ने इसको इसको ऐसे किया कि अ लेटर विल बी रिटन बाय मी, ठीक है। हम इस तरीके से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं पैसिव वॉइस में, तो हमारी ये कंप्लीट हो जाएंगे। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस हम नहीं करेंगे क्योंकि हमारी ये एट जो कन्वर्ट कर सकते हैं एट टेंसेस को उनमें नहीं आता है, ठीक है। इसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो बताऊंगा कि ऐसा क्या होता है कि क्यों नहीं आता, हम चार टेंसेस क्यों छोड़ देते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको हो सकता है इसी वीडियो में बता सकूँ, चलिए कोशिश करूँगा। तो अब यहाँ पे है नेक्स्ट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस हम नहीं बनाएंगे, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट, I will have written a letter. मैं एक letter लिख चुका हूँ, ठीक है। A letter will have been written by me. Very easy. A letter will have been written by me. ठीक है, यहाँ पे भी हमने किसका यूज किया है, have और been का यूज किया है। तो जिस तरीके से हम present में यूज करते हैं उसी तरीके के concept है यहाँ पे, हमें past में भी यूज होता है और future में भी यूज होता है। A letter will have been written by me. ठीक है, I will write a letter, ठीक है। अगर मैं ये वाला बोलूँ फिर से एक बार रिवाइज करते हैं, I will write a letter will be written by me. अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूस कर नहीं सकते, तो फ्यूचर परफेक्ट में हमने कौन सा किया है, I will have written a letter. फ्यूचर परफेक्ट में कौन सा यूज कर रहे हैं, I will have written a letter will have been written by me. A letter will have been written by me. इस तरीके से हम बनाएंगे। अब फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं, हम ये नहीं बनाएंगे क्योंकि हमारे ये फोर सेंटेंसेस जो हम नहीं बना सकते उनमें आता है, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस क्या होता है, जैसे आई शैल हैव बीन राइटिंग अ लेटर, इस तरीके से हम इसको नहीं बना सकते, ठीक है। तो ये हमारे जो थे एक्टिव टू पैसिव कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं, चलिए मैं बता ही देता हूँ ऐसा क्यों होता है कि हम चार टेंसेस नहीं बना पाते हैं, वो जो हमने अभी छोड़े हैं। हमने कौन कौन से छोड़े हैं, वो हमने छोड़े हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। ये हमने इसलिए छोड़े हैं क्योंकि इनका यूज
पैसिव बनाने में हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा मैंने हैव बीन हैज बीन ये यूज किया है, विल बी भी यूज किया है, तो ये क्या है फ्यूचर में आता है और पास्ट में भी आता है, ठीक है। जैसे हैव बीन जो है वो क्या है प्रेजेंट में भी यूज हो रहा है, फ्यूचर में भी यूज हो रहा है, ठीक है, कॉन्टिन्यूस में हो रहा है, ये आप ध्यान रखिए, पास्ट के कॉन्टिन्यूस में भी हो रहा है, फ्यूचर के कॉन्टिन्यूस में भी हो रहा है, और आपका जो प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूस में भी हो रहा है। अब विल बी देखिए, अब विल बी जब हम लोग आई विल राइट अ लेटर बोल रहे हैं तो अ लेटर विल बी ये हमारा यूज हो जा रहा है पैसिव बनाने में, इसलिए हम ये चार टेंसेस छोड़ देते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी हमारे एक्टिव और पैसिव की पूरी जो हम लोगों ने अभी वीडियो में बात की है। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो ये नया चैनल है, मतलब वैसे काफ़ी पुराना चैनल है लेकिन अभी मैंने वीडियोस डालना बंद कर दिया था, अभी स्टार्ट किया है कुछ ही दिन पहले। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।